हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला कुफरी में एक पुराने तालाब के जड़ द्वार के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने अवैध मस्जिद मामले को लेकर संतुलित टिप्पणी की और प्रशासन को आधार कार्ड जांच करने का आदेश भी दिया। जांच होनी चाहिए, प्रशासन को करनी चाहिए कि एक तिथि पर अगर आधार कार्ड बन गया है तो उसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। हिमाचल की पवित्रता रहनी चाहिए और मैं समझता हूं कि जो हिमाचल में नशा बढ़ा है, ऐसे सब लोगों को जो आकर के हिमाचल को करें उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और आधार कार्ड का निश्चित रूप से जांच करना चाहिए। हिमाचल हिमाचलियों का है, या बार बार मैं कह रहा हूं, इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बाहर से आ रहे लोगों को भी सख्त हिदायत दी और हिमाचल प्रदेश को ऐशगाह न बनाने की नसीहत दी। सौहार्दपूर्ण माहौल हर स्थिति में बना रहना चाहिए। प्रशासन अपने स्तर पर हर संभव प्रयत्न कर रहा है। मेरा यह मानना जरूर है कि प्रशासन को इस बात के लिए जांच करनी चाहिए कि हिमाचल की पवित्रता हिमाचलियों से है, तो इस नाते बाहर से जो लोग भी आए हिमाचल को ऐशगाह मत बनाए। गौरतलब है कि हिमाचल में अवैध मस्जिद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, इसे लेकर हिंदू संगठन की ओर से विरोध भी जताया गया। आपको बता दें कि संजौली मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष ने अवैध रूप से बनी 2.5 मंजिला को खुद ही गिराने के लिए आवेदन किया था। मस्जिद से जुड़े इस विवाद में अब 5 अक्टूबर को निगम कमिश्नर के पास सुनवाई होने जा रही है। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला कुफरी में एक पुराने तालाब के जड़ द्वार के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने अवैध मस्जिद मामले को लेकर संतुलित टिप्पणी की और प्रशासन को आधार कार्ड जांच करने का आदेश भी दिया। जांच होनी चाहिए, प्रशासन को करनी चाहिए कि एक तिथि पर अगर आधार कार्ड बन गया है तो उसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। हिमाचल की पवित्रता रहनी चाहिए और मैं समझता हूं कि जो हिमाचल में नशा बढ़ा है, ऐसे सब लोगों को जो आकर के हिमाचल को करें उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और आधार कार्ड का निश्चित रूप से जांच करना चाहिए। हिमाचल हिमाचलियों का है, या बार बार मैं कह रहा हूं, इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बाहर से आ रहे लोगों को भी सख्त हिदायत दी और हिमाचल प्रदेश को ऐशगाह न बनाने की नसीहत दी। सौहार्दपूर्ण माहौल हर स्थिति में बना रहना चाहिए। प्रशासन अपने स्तर पर हर संभव प्रयत्न कर रहा है। मेरा यह मानना जरूर है कि प्रशासन को इस बात के लिए जांच करनी चाहिए कि हिमाचल की पवित्रता हिमाचलियों से है, तो इस नाते बाहर से जो लोग भी आए हिमाचल को ऐशगाह मत बनाए। गौरतलब है कि हिमाचल में अवैध मस्जिद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, इसे लेकर हिंदू संगठन की ओर से विरोध भी जताया गया। आपको बता दें कि संजौली मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष ने अवैध रूप से बनी 2.5 मंजिला को खुद ही गिराने के लिए आवेदन किया था। मस्जिद से जुड़े इस विवाद में अब 5 अक्टूबर को निगम कमिश्नर के पास सुनवाई होने जा रही है। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट।